हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद नूरी। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बनाने में बहुत आसान होती है। इसका नाम है कद्दू चने की सब्ज़ी। तो चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में 3 टेबलस्पून के करीब करीब ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाए तो हम इसमें बिल्कुल थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे। फिर डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। इसको हल्का सा हम सौते कर लेंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ की चॉप की हुई ऑनियन, तो मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। ऑनियन को ट्रांसलूसेंट होने तक हमें भून लेना है। स्लो फ्लेम पे मैं इसे भून लेती हूँ। बस ऑनियन का कलर चेंज ना हो, बस हल्की सी ये सॉफ्ट हो जाए, इतने हमें इसे भूनना है। ऑनियन का कलर चेंज हो गया है, बिल्कुल ट्रांसलूसेंट हो गई है। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे टोमेटोज, 1 मीडियम साइज़ का चॉप करके मैंने लिया है। चला लेते हैं। अब हम इसमें 1/2 कप भिगो हुई चने की दाल को शामिल करेंगे। ये मैंने 1/2 घंटा पहले वॉश करके भिगो दिया था, इसे मैंने कुक नहीं किया है, बस सोक करके रखा था। ये हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। वैसे मैं इसमें 1/4 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। फिर इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर है ये, और 1/4 टीस्पून मैं इसमें हल्दी शामिल कर रही हूँ। सारी चीज़ों को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 1/2 टीस्पून इसमें हम धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे, भुना हुआ धनिया जीरा पाउडर है। बस एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 1/2 ग्लास इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं, ताकि चने की दाल जो हमने इसमें डाली है वो अच्छे से पक जाए। और फिर इसे हम ढककर रख देंगे स्लो फ्लेम पे। 2 से 3 मिनट में चने की दाल अच्छे से गल जाएगी, फिर हम इसे चेक कर लेंगे। इसे चेक कर लेते हैं। चने की दाल अच्छे से पक गई है। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे कद्दू। ये मैंने 1/2 kg पम्पकिन लिया था और इसके स्किन को निकाल के मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया और फिर इसे वॉश कर लिया था। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मसालों के साथ। इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। फिर से इसे हम ढककर पकने के लिए रख देंगे स्लो फ्लेम पे। हम इसे चेक कर लेते हैं। ये रेडी हो गई है, कद्दू भी अच्छे से गल गए हैं। बस इसमें अब हम हरा धनिया शामिल करेंगे। तो देखा आपने कितना आसान था कद्दू और चने की दाल की सब्ज़ी बनाना। तो आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे कमेंट करें। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। Thank you.